अच्छा भाई, 9 के ऊपर आ जाओ। अ म्यूजिक ट्रैक इज 80 MB इन साइज। अली, क्वेश्चन नंबर 9 है, रेफरेंस डालो अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 और W15 QP13, क्वेश्चन नंबर 9। W15 QP13, क्वेश्चन नंबर 9। अ म्यूजिक ट्रैक इज 80 MB इन साइज, कैलकुलेट द फाइल साइज आफ्टर कंपैरिजन। क्या होगा? 8 MB हो जाएगा। क्यों? 90% रिड्यूस होता है, तो 90% के लिए आप क्या निकालोगे? उसका 10% निकालोगे, तो आप सिंपल सिंपल 80 को किससे करो, 10% निकालोगे ना, तो 80 को मल्टीप्लाई बाय 0.01 करा दो, इससे भी आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ आ गया। तो हम करेंगे 80 और मल्टीप्लाई बाय कितना होता है, 10/100, 10/100 विच इज इक्वल टू 8 MB। 8 MB सिंस इट रिड्यूसेस 90%। हाउ मेनी MP3 फाइल ऑफ साइज कैलकुलेटेड अबव कुड बी स्टोर्ड ऑन 800 MB। अली, 800 MB का टोटल स्टोरेज है, एक फाइल का साइज 8 MB है, कितनी फाइल स्टोर हो जाएंगी? सही है? तुम कैसे कह रहे हो मल्टीप्लाई करने? 800 MB तो टोटल साइज है और 8 एक फाइल का साइज है, तो 800 को 8 से डिवाइड करोगे तो 100 फाइल आएगी। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक्सप्लेन हाउ MP3 फाइल रिटेन मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल म्यूजिक क्वालिटी। नहीं, इसमें इस्तेमाल होता है, इट मेक यूज ऑफ परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। उसमें ये होता है कि व्हेन टू साउंड्स आर प्लेड एट द सेम साइड सेम टाइम, द हार्डर साउंड इज केप्ट एंड द सॉफ्टर साउंड इज एलिमिनेटेड। MIDA के अंदर ही आता है। तो इसमें ये होगा कि इसको इस तरह से लिख दो, इसमें लॉजिक लॉसलेस लेके क्यों आ रहा है? वो कह रहा है, देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? अब उसमें पंखे की भी आवाज आ रही है, मैं बोल रहा हूँ तो बीच में तुम भी बोल लेते हो। अब एक्चुअल जो वॉइस है, लार्जर वॉइस, लाउडर वॉइस, वो मेरी वॉइस है। तो जब हम MP3 इस पे अप्लाई करेंगे तो वो बाकी सारी वॉइस को क्या करेगा? खत्म करेगा। तो इसके अंदर ये कहता है कि इट मेक यूज ऑफ, इसको लिख लो, हाँ, इट मेक्स यूज ऑफ परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग, परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग विच रिमूव्स द साउंड। अली लिखो भाई, विच रिमूव्स द साउंड ह्यूमन एयर, which remove the sound human ear cannot hear, जो human ear ठीक से नहीं सुन पाता, ठीक है? उसको इस तरह से कहता है कि if two sounds are played at the same time, if two sounds are played at the same time, softer sound is removed, softer sound is removed and harder sound is kept. Sound is kept. हाँ, ये जब पूरा एक साथ सारा कर लेंगे ना, पूरे पास फेवर तो फिर करूंगा, ऐसे आधा आधा करूंगा तो बेकार है। कुछ रह गया तुम्हारा, क्या हुआ? पेंसिल, पेन, ये हो गया। इसमें एक सवाल में बच्चे जो है बड़ी गलती करते हैं, इसके बाद वाले, और ये मतलब 90% बच्चा ये गलती कर जाता है कि वो आपसे पूछता है कि स्टेट द टाइप ऑफ फाइल कंप्रेशन। स्टेट द टाइप ऑफ फाइल कंप्रेशन यूज इन MP3। तो क्या जवाब होगा? ये तो लॉसी है ना,
अब इसका एक सवाल तो ये हो गया स्टेट द फाइल टाइप ऑफ फाइल, तो ये तो हो गया आपके पास लॉजी। उसके बाद नीचे कहता है नेम एंड अदर फाइल कंपैरिजन फॉर्मेट, और हर बच्चा उसका जो जवाब देता है वो लूजलेस है, MP4 होगा। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि अगर एक लॉजी है तो दूसरा लूजलेस होगा, वो ही नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है लॉजी फॉर्मेट के, लॉजी कंपैरिजन के फॉर्मेट बताओ। तो MP3 है, JPG है, JPEG भी होता है, ठीक है, हाँ हाँ JPEG आएगा, इसमें MP4 आ जाएगा, MP4 में भी आप वापस नहीं जा सकते, और अनदर फाइल कंपैरिजन फॉर्मेट ना, हाँ ये आ जाएगा, और GIF आ सकता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अगले पे आते हैं, अभी तो हमने 15 किया, 16 तक शुरू हुआ है। सात साल के बाद बैठो, देखते हैं तुम्हारी हिम्मत के ऊपर है भाई, तुम्हारी हिम्मत कहाँ तक जवाब देती है। आज तुम लोग की हालत खराब हो जाएगी, तुम लोग पहली बार तो रमजान में इतने टाइम पढ़ के पढ़ लो, वरना रमजान में तुम लोग इफ्तार के बाद पढ़ते हो या थोड़ा सा पहले पढ़ते हो, से पहले पढ़ते हो, दो तीन दिन की मेहनत है, ईद अच्छी गुजर जाएगी तुम्हारी। 2016 है, 2000 तुमने करवा लिया ना तुम्हारा, और तुम्हारा भाई करवा लिया, हाँ तुम लोग के साथ नाइन साथ ही करते ना वो, आज पेपर हुआ है इधर के, नजीर, हाँ नजीर हुसैन का बड़ा, नजीर हुसैन का बड़ा खराब रिव्यू मैंने देखा था कोई वहाँ पे, चिटिंग विटिंग बच्चे ने डाला होता कि कोई जगह नहीं है आने जाने के लिए, बहुत खराब स्टाफ है, नजीर हुसैन का सुबह ही मैंने देखा बड़ा खराब रिव्यू आ रहा था। हाइब्रो सही है, हाइब्रो में डाल देना चाहिए, जो गरीब के बच्चे हाइब्रो में डालो, बीकन हाउस में डालो, स्कूल का। अच्छा तुम्हारा जनरेशन है ना, तो हाइब्रो में सही है ना तुम्हारा, उससे तो कम से कम बचा गया, DHA से तो बच गए आप, तुम्हारा भी DHA है, तुम्हारा DHA भी कौन क्यों पढ़ा है तुमको सारा एक, वो आएगा तो सबका वो परेशानी नहीं है, वो लिखा हुआ आएगा, आप उसको दोगे नहीं बस, और वो आपके स्कूल से चला जाएगा। अच्छा 2016 का आज क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो कहाँ कौन सा पेपर पढ़ा है तुमने, DHA में 7 पेपर पढ़े एक आपका, DHA में 7 पेपर है, दो नजरसन में और दो आपके पास, सारे से भी डाल देते हैं गरीब तो रहता। नंबर 3 2016 का, इसमें आपने सिर्फ मैच करना है, ये करो मैं नंबर 3 5 है, पेपर 2 11
हाँ भाई अली क्या लिखा? थ्री मैचिंग वाला फोर है और मैचिंग वाला थ्री है ना, मैचिंग वाला थ्री है। थैंक यू बस फाइव भाई। 2016 जो है ना, 2016 का 2016 है ना, तो 2016 का नहीं है ना। नहीं नहीं मैं सेंसर्स का निकाले भाई। ये रहा ना तुम्हारे पास कैसे हो? चलो अली तुम बताओ, मॉनिटरिंग द पॉल्यूशन लेवल इन रिवर क्या इस्तेमाल हुआ है? सेंसर, ये सेंसर है, हैं? गैस यूज करो। पीएच के लिए एसिडिटी है ना, नीचे देखो तो सही ना, पीएच अगर आपके पास गिवन है तो वो एसिडिटी आ जाएगा। और क्या चीज पीएच सेंसर है ना, मॉनिटरिंग द एसिडिटी लेवल इन अ सॉइल, तो वो तो फिर पीएच सेंसर ही होगा। लाइट सेंसर कंट्रोल द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ स्ट्रीट लाइट हो जाएगा। मॉइस्चर सेंसर होगा अमाउंट ऑफ वाटर, हाँ मॉइस्चर सेंसर वो होगा जो अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन क्लॉथ्स इन अ ड्रायर, ड्रायर के अंदर कपड़े कितने सूखे हैं तो वो तो मॉइस्चर सेंसर चेक करेगा। गैस सेंसर जो है वो मॉनिटरिंग द पॉल्यूशन लेवल इन अ रिवर। और पीएच सेंसर जो होगा प्रेशर सेंसर है ना, प्रेशर सेंसर जो है वो डिटेक्ट करेगा इंट्रूडर ब्रेकिंग इन द बिल्डिंग, तो ये आ जाएगा। इसको एक बार सही से चेक कर लो भाई, एक सवाल भी गलत ना हो। 16 है ना ये? मेरे पास ये 3 थे, आपका कंट्रोलिंग इज 3 राइट? तो गलत देख रहे हो मुझे लग रहा है। नो सर, जून 2016 पेपर 1 और वेरिएंट देखो, वेरिएंट पी 1 है, वेरिएंट देख लो। इवन मेरे पास आई थिंक पी 1 है, 16 1 है। सबसे पहले वाले को कंपेयर करने वाला फ्री वेयर, फ्री और शेयर वेयर है। नहीं नहीं वो एयर पूछ रहा है ना, एयर का बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एग्जैक्ट एयर बता देता हूँ। 2016 है ना, ऐसे आ जाओ, ये समझो कि मई जून 2016 क्यूपी 11 मई जून 2016 क्यूपी 11 तुम्हारे पास नहीं हो? नहीं तुझे नहीं है ना, तुम क्या बोल लो 16 है ना, पता नहीं इसे क्या दिया तुम्हें बात ये है नहीं। वैसे खैर डिस्कशन तो हो गई है तो उतना मसला नहीं है, ये वाला तुम्हारा एक सवाल हो गया। अब इसके बाद अगले सवाल पे आओ, तीसरे के बाद नीचे वाला जो सवाल है वो वही है जो बार बार मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का आता है, तो उसको छोड़ देते हैं, अगला देख लेते हैं। ये तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है, इसको छोड़ दो, फाइव है। नहीं तो इसमें ये भी तो है, 3D प्रिंटर का भी सवाल है, एक सवाल और भी तो आ रहा है। स्टेट वन सुटेबल एप्लीकेशन फॉर ईच प्रिंटर ब्लू, डिफरेंट एप्लीकेशन मस्ट बी गिवन फॉर ईच प्रिंटर, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का भी लिख लो अपने पास। मिला तो मैं नहीं मिला फाइल टेक्स्ट
तुम उसको छोड़ो, तुम अपने पास एक रेफरेंस लिख दो S16 QP11 क्वेश्चन नंबर 4 का बी S16 114 फोर का बी। अली नहीं मिल रहा उसको छोड़ो, रजिस्टर पे करो S16 QP11 क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्या होगा ईच प्रिंटर की एप्लीकेशन जो आपने देखी है, इंकजेट और हाई क्वालिटी, किस चीज का करना एप्लीकेशन में ना, स्टेटमेंट सुटेबल एप्लीकेशन, तो इसका लिख सकते हो कि फॉर हाई क्वालिटी प्रिंट फोटो प्रिंट्स, वो लिख दो इंकजेट है। हाँ क्या हो सकता है, प्रिंटिंग द प्रोटोटाइप्स डिजाइन, ठीक है ना, तो ये लिख सकते हो इंकजेट प्रिंटर का लिख दो प्रिंटिंग प्रिंटिंग हाई क्वालिटी फोटो। हाँ मॉडल इंकजेट का लिख सकते हो प्रिंट हाई क्वालिटी फोटोज, और 3D प्रिंटर का लिख सकते हो और डिजाइनिंग ऑफ प्रोटोटाइप्स। सर ये तो कार के कुछ वो आगे एज एन एग्जांपल दे सकते हो, मतलब पूछ वो ये रहा है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो आप बोलोगे प्रोटोटाइप, मतलब कोई भी चीज जो आप बनाने जा रहे हो उसका मॉडल जो बनाते हो प्रोटोटाइप कहलाते हो, तो आप वो लिख सकते हो। वो पूछ रहा है कि दो प्रिंटर आपके हो चुके हैं, तीसरे का बताओ, तीसरा कौन सा होगा। हाँ लेजर होगा ना, तो टाइप ऑफ प्रिंटर डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इसमें वैसे तो 1, 2, 3 नंबर। हाँ इसके लिए ज्यादा नहीं, इस तरह से लिख दो कि लेजर प्रिंटर मेक यूज ऑफ टोनर, लेजर प्रिंटर मेक यूज ऑफ टोनर्स। इंकजेट क्या इस्तेमाल करता है, कार्टेजेस यूज करता है, लेजर प्रिंटर मेक यूज ऑफ डोनर्स। दूसरी चीज लिख सकते हो कि अ पॉजिटिवली चार्ज ड्रम, पॉजिटिव चार्ज ड्रम इज यूज्ड विद नेगेटिवली चार्ज पेपर, विद नेगेटिवली चार्ज पेपर मूविंग ऑन टू इट। पॉजिटिवली चार्ज ड्रम पे नेगेटिवली चार्ज पेपर मूव करता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस हाई वॉल्यूम ऑफ प्रिंट, इट प्रोड्यूसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रिंटिंग कर सकते हो। हाँ एप्लीकेशन पूछ रहा है, एप्लीकेशन पे क्या लिख सकते हो, प्रोड्यूसिंग फ्लायर, फ्लायर लीफलेट मैगजीन, ये एप्लीकेशन। हाँ हाँ प्रोड्यूसिंग फ्लायर, फ्लायर लीफलेट्स, प्रोड्यूसिंग फ्लायर लीफलेट्स और क्या बताया, मैगजीन्स, ठीक है ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्यारहवें सवाल पे आ जाए, इलेवेंथ पे। अब इलेवेंथ पे इसमें एक तो ये होता है सिंगल ट्रैक किसके अंदर होगा तुम्हारे पास, सिंगल ट्रैक, एक तो डीपीटी राइट है और कौन कौन सा है, सीडी और डीवीडी पे सिंगल ट्रैक है, डीवीडी ट्रैक तो सिंगल ही होगा, डुअल मतलब ट्रैक कैसे हो जाएगा, ट्रैक डुअल तो पढ़ा ही नहीं है, तो सिर्फ एक डीवीडी रैम एक ऐसी चीज है जिसमें ट्रैक सिंगल नहीं होगा, क्योंकि उसमें कंसेंट्रिक ट्रैक होता है।
ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है ना उसको। अब इसमें अगर आप बात करोगे तो ब्लू रे में भी सिंगल ट्रैक है, डीवीडी आर डब्ल्यू में भी है और सीडी रोम में भी है। डीवीडी रैम में कंसेंट्रिक ट्रैक होता है, तो इसमें तीन में आपके लग जाएगा, डीवीडी रैम में नहीं लगेगा। पर डीवीडी रैम में नहीं लगेगा। मैनी कंसेंट्रिक ट्रैक तो फिर जाहिर है जब इसमें नहीं लगा तो उसमें लगेगा, पॉइंट समझ लो। मैनी कंसेंट्रिक ट्रैक में क्या लगा रहे हो? मैनी कंसेंट्रिक ट्रैक में सिर्फ डीवीडी रैम है, बाकी सिंगल ट्रैक में तीनों है, सही है? डीवीडी आर डब्ल्यू, सीडी रोम और ब्लू रे, और मैनी कंसेंट्रिक ट्रैक में डीवीडी रैम है। फिर कह रहा है ब्लू लेजर यूज टू राइट डेटा, तो ब्लू रे के अंदर हो जाएगा, और रेड लेजर सारी बाकी सब बाकी सारे। सही, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज कर देते हैं। हाँ, आगे देख सकते हैं, पता जा रहा है, इसको मैं फिल कर दूँ। पेपर कब तक जा रहे हैं? जुलाई में, जून में, फर्स्ट जून में तुम्हारा आठ को क्यों भाई? तुम नहीं दे रहे फिजिक्स केमिस्ट्री? नहीं दे रहे कॉमर्स? अच्छा, इस सॉलिड स्टेट आर रिप्लेसिंग हार्ड ड्राइव्स, ये हम पढ़ चुके, अभी अभी पढ़ा है। क्या होता है सॉलिड स्टेट आर रिप्लेसिंग हार्ड ड्राइव्स, व्हाई रीजन क्योंकि ठीक है ना, तो हार्ड ड्राइव्स आर इनएक्सपेंसिव, एक ये पॉइंट आप लिख सकते हो, हार्ड ड्राइव्स आर इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, चीपर से बेटर वर्ड इनएक्सपेंसिव होता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। हार्ड ड्राइव्स एचडीडी हैज ग्रेटर लॉन्ग वाइटिंग, लंबा चलता है, एस डी डी हैज ग्रेटर लॉन्ग वाई टी, एल ओ एन जी और ई वी आई टी वाई, ये लंबे अरसे तक चलती है, लॉन्ग वाई टी, एल ओ एन जी ई वी आई टी वाई, लॉन्ग वाई टी फॉर रीड एंड, फॉर रीड एंड राइट नहीं लिखा है इसका, हाँ फॉर रीड एंड राइट नहीं लिखा है इसका, हाँ ये बात आधी रह जाएगी ना, ग्रेटर लॉन्ग वाई टी का मतलब लंबी उम्र चलेगा, तो कोई ऐसा थोड़ी जादू है, ये चीज नहीं होती ना इसके अंदर। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि नो नीड फॉर द इंक्रीज स्पीड ऑफ एसएसडी, डाटा बैकअप बनाने के लिए फिर आपको इतनी स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये काफी है जितना हमने लिखा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग बार कोड, जो चकोर डब्बे वाला होता है कौन सा होता है? क्यूआर कोड होता है। QR कोड और बार कोड का डिफरेंस क्या बताओगे? स्ट्रेट लाइन का टर्म आप यूज नहीं करोगे? हाँ बोलो। QR कोड बेसिकली 7000 QR कोड स्टोर्स मोर डेटा देन बार कोड, एंड बार कोड तकरीबन 7000 डिजिट तक आपका QR कोड डेटा स्टोर कर सकता है, जो बार कोड होता है वो 30 डिजिट तक करता है। बार कोड consist of vertical lines, white and black vertical lines, QR code consist of square matrix, ये आ जाएगा। barcode need special barcode reader या barcode scanner की जरूरत होगी to scan the barcode, QR code can be scanned by smartphones। हाँ, अलाइनमेंट बताते हैं तो वो तीन स्क्वायर्स ओनली, तीन होते हैं उसके ऊपर, तीन स्क्वायर्स आते हैं। अगला है 2016 का नेक्स्ट वेरिएंट, 16 के नेक्स्ट वेरिएंट में ये आसान है, वो ये पूछ रहा है कि मोशन सेंसर आर यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम,
थ्री अदर सेंसर कुड बी यूज्ड, ठीक है, तो कंट्रोलिंग स्ट्रीट लाइट के लिए कौन सा सेंसर लगाओगे? लाइट सेंसर लगा दोगे। मॉनिटरिंग अ रिवर, मॉनिटरिंग अ रिवर फॉर पॉल्यूशन, गैस सेंसर अभी हमने डिस्कस भी किया था, गैस सेंसर। कंट्रोलिंग ट्रैफिक लाइट, मोशन सेंसर भी यूज कर सकते हैं, प्रेशर भी हो सकता है इसके अंदर। इसमें दो 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 तो आते हैं आपके पास, तो सेंसर होते हैं ना, तो दो दो तो आते हैं। कौन सी कंट्रोलिंग ट्रैफिक लाइट ना, प्रेशर सेंसर हो सकता है कि आपके पास एक जो जगह है, यानी एक किलोमीटर की जगह है, उसका आपने प्रेशर सेंसर लगा दिया, अगर उस एक किलोमीटर की जगह पे गाड़ियां खड़ी हुई तो प्रेशर पड़ेगा, चार जगहों में से जिस जगह ज्यादा गाड़ी है वहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जहां ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उस जगह को खोल देना है। हम लोग तो असल में रहते पाकिस्तान में ना, दुनिया तो टेक्नोलॉजी पर क्या कुछ नहीं करती, तो उस तरह से चलती है। तो सीधी सी बात है कि आपका एक जंक्शन आ रहा है, चार तरफ है, चार तरफ में आपने दो दो किलोमीटर के ऊपर प्रेशर सेंसर लगा दिया, जिस जगह पर गाड़ियों का फ्लो ज्यादा है, तो जाहिर है उस जगह पर जब गाड़ियां खड़ी होंगी ज्यादा आके, तो प्रेशर सेंसर ज्यादा वैल्यू देगा, जब ज्यादा वैल्यू देगा तो आपको पता है कि यार इस जगह प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसको खोलो, तो ये वाला ट्रैफिक सिग्नल खुल जाएगा, बाकी जगहों पे जहां पे कम आएगा उसको रोक देंगे। जैसे यहां से गाड़ियां जानी शुरू होंगी प्रेशर कम हो जाएगा। पाकिस्तान में होता है कि 120 सेकंड आपका बंद रहेगा और 30 सेकंड खुलेगा, 120 सेकंड बंद होता है जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होगे, 120 सेकंड बोलना है 2 मिनट, आप जब खड़े होगे तो 120 सेकंड की लाइट आपको रोक के रखती है, और जब आप चलोगे तो 30 सेकंड चलाती है। उसी दुनिया के अंदर जब आप जाओ यहाँ से हटकर, तो वो ये नहीं देखते कि 120 चलाना है 2 मिनट चलाना है, उन्होंने अपने एक जंक्शन पे प्रेशर सेंसर लगाया जब सिग्नल बंद हो गया लाइट सपोज, अब वो देखते हैं कि इस जगह ऑफिस आने की वजह से गाड़ियां ज्यादा आ रही, बाकी जगहों से इस तरफ से गाड़ियां ज्यादा नहीं आ रही, तो इस वाले को वो ज्यादा देर के लिए खोल देते, वो उसको ऑटोमेटिक चला रहे होते हैं, प्रेशर जितना ज्यादा पड़ेगा उतनी देर के लिए इस जगह को खोल देंगे ताकि प्रेशर रिलीज हो। 2016 का कौन सा वेरिएंट बताइए? 11 है, 12 है, तो इसके अंदर तुम्हारे पास एक के एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ऑप्शंस। तो इसमें एक तो तुम्हारे पास लाइट आ गया, दूसरे वाले में रिवर फॉर पॉल्यूशन के लिए गैस, पीएच, टेम्परेचर तीनों इस्तेमाल हो सकते हैं। गैस, पीएच, गैस भी यूज कर सकते हो, पीएच भी यूज कर सकते हो, और कौन सा बताया? टेम्परेचर। किसके अंदर? पॉल्यूशन रिवर है ना, ऐसी गैसेस जो हार्मफुल है वो वहां से अटैक कर लेगा, तो पॉल्यूशन है, अगर हार्मफुल गैसेस वहां मौजूद होती है तो फिर वो तो है ना आपके पास। टेम्परेचर हो गया, और कंट्रोलिंग द ट्रैफिक लाइट के लिए प्रेशर और मैग्नेटिक लिखा हुआ है मार्किंग की। क्वेश्चन भी सही है, लेकिन साथ साथ अपने पास दो तीन और भी याद रखो। प्रेशर सेंसर, जैसे मैंने अभी तुम्हें उसकी एग्जांपल दे रहा था, अभी तुम्हें प्रेशर की एग्जांपल दे रहा था, तो प्रेशर भी लिख सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो। इस मैग्नेटिक फील्ड में जितनी गाड़ियां आएंगी उतनी गाड़ियां फिर आपके पास, आपका जो ट्रैफिक लाइट है उसी हिसाब से काम करेगी। तीसरा, चौथा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, चौथे सवाल देखो, इसका रेफरेंस डालो S16 का 12 क्वेश्चन नंबर 4। चाहो तो लिख के लो, वो ये कह रहा है कि नाइजल वांट टू सेंड अ लार्ज टेक्स्ट फाइल इलेक्ट्रॉनिकली टू मशूदा, डिस्क्राइब हाउ द साइज ऑफ टेक्स्ट फाइल कैन बी रिड्यूस्ड। लॉसलेस होगा, क्या है वो?
आवाज कहाँ से टेक्सटाइल है जवाब तुमने सही दिया है थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ठीक है अब जैसे ठीक है ना देखो ये कह रहा है कि मुझे तुम्हें एक फाइल भेजनी है इलेक्ट्रॉनिकली डिस्क्राइब हाउ द साइज ऑफ फाइल टेक्स्ट कैन बी रिड्यूस मैं उसको कैसे रिड्यूस करूं ये तो सही लगेगा सही कह रहा हूँ उसमें इस तरह तो कह रहा डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं ना तो आप डिस्क्रिप्शन ऐसे देख सकते हो कि भाई हाँ जो रिपीटेड लेटर्स जो होंगे ना उनको नंबर्स दे दिया जाएगा तो अगर जैसे वहाँ पे अगर दा जो है 40 दफा इस्तेमाल हो रहा है तो वो 3 बाइट ले रहा है THE दा तो वो 120 बाइट ले रहा होगा उसकी जगह आप 1 लगा दो तो 1 अब 40 दफा इस्तेमाल हो जाएगा तो 120 के बजाय 80 की स्पेस आपके पास बच जाएगी तो इसका लिखो 4A इसका सवाल भी लिख लो डिस्क्राइब हाउ द साइज ऑफ टेक्स्ट फाइल कैन बी रिड्यूस्ड Describe how the size of text file can be reduced. तो आप लिख दो the file can be compressed using looseless compression. File can be compressed using file can be compressed using looseless compression method in which repeated words can be indexed जो repeated word है आप उसको index कर देते हो इंडेक्स एग्जाम्पल डाल के लिखो THE द एग्जाम्पल में लिखो THE द टेक्स 3 बाइट्स विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 2 टेक ओनली 1 byte saving the file size the file can be compressed using looseless compression method in which repeated words can be indexed for example THE da take 3 bytes which can be replaced by 1 to take only 1 byte saving the file size ek number ki example de do usme to hai given भाई एक नंबर तुम ये बता दोगे कि लूजलेस इस्तेमाल होगा जिसमें रिपीटेड वर्ड्स जो आएंगे उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा नंबर 5 आपको जो है अली तुमसे पूछूंगा मुझे बताना इनमें से कौन सा है कि अलाउ अ यूजर टू राइट ऑन अ सरफेस यूजिंग अ पेन टेक्स्ट एंड ड्राइंग आर देन कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉनिकली and stored for later use हाँ यार ये तुम्हारी पक्की तुम जवाब सही दे रहे हो सर पढ़ती नहीं हो बस घर में तुम जवाब तुम्हारे सारे सही यार आशिर क्या है पहले वाले का अच्छा हसन तुम बताओ कन्वर्ट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज माइक्रो कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज इसमें स्पीकर हेडफोन है का साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल कर रहा है ना तो हमारे साउंड को करेगा तो माइक्रो क्यों नहीं करेगा और थर्मल बबल एंड पाइजो इलेक्ट्रिक ये इंजेक्ट करता है पाइज़ोइलेक्ट्रिक और इंकजेट जो है ना वो ये इंकजेट प्रिंटर ये दो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं थर्मल बबल और पाइज़ोइलेक्ट्रिक उसमें ये होता है कि आपके पास एक रेजर्वायर होता है इंक रेजर्वायर टंकी हो गई थोड़ी सी उसको जब आप हीट देते हो पाइज़ोइलेक्ट्रिक और थर्मल बबल इंकजेट का होता है ये दोनों चीज़ें इस तरह से काम करती है टंकी है
छोटी सी कार्टेज है, कार्टेज में इंक है। अब आप उसको हीट दोगे तो हीट होने की वजह से वो एवोपरेट होगा, एवोपरेट होगा तो उसके आगे छोटा सा नोजल लगा हुआ होगा, तो छोटा सा नोजल जो होगा उसमें से जब इंक निकलेगी तो वो बबल बन के निकलेगा, तो ये थर्मल बबल होता है। यही काम पाइजो इलेक्ट्रिक के अंदर भी होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है जिसकी वजह से आपकी कार्टेज वाइब्रेट करती है, उस वाइब्रेशन की वजह से आपके पास बबल क्रिएट होता है। लेजर होता है हमारे लिए नहीं, देखो ये तो दो टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें ये नहीं होता कि कौन सी अच्छी है। इंकजेट मेक यूज ऑफ दीज टू टेक्नोलॉजीज, ज्यादातर थर्मल बबल का इस्तेमाल हो रहा है। ये कन्वर्ट, हाँ कन्वर्ट अ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बी स्टोर्ड एज फाइल ऑन स्कैनर, 2D स्कैनर। Uses negatively charged images on rotating drum. अभी हमने बात की थी इसके तो लेजर होता है। ये हो गया पूरा। अच्छा। ये सवाल वैसे बड़ा कम आता है, थोड़ा उसको भी जरूरत नहीं है। एक बारकोड की लाइन दी गई है उसके अंदर ब्लैक और ग्रे दे रहा है, तो वो तो सिंपल दे सकते हो आप, इसका नहीं। हाँ ये आपके पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। अली डालो हेडिंग, ये होगा तुम्हारे पास 16 का 1-2 है, 16-1-2 क्वेश्चन 10 दिखाओ, अभी खोल लो यार, नहीं करो बस खोल के रखो, खोल के रखो, बर्थडे लेना से हार्ट्स में आ रहा है तुम्हारा सेकेंडरी स्टोरेज में। Non-volatile memory that can only be read from, not written to. Optical storage media that allow very high storage capacity. Blu-ray होती है, Blu-ray आएगी। इसको खोल के रखना। हाँ उसी में लिखना। volatile memory that store data, एक सेकंड को मैं अपने पास भी लिख लूंगा। पहले वाले क्या है, non volatile memory can only be read from, दूसरे वाले में optical media that allows storage capacity is the blu-ray, BLU लिखते हो इसको, UE नहीं आता इसमें, याद रखना blu-ray में BLU ray आता है। volatile memory that store data program in the part of operating system currently in use, RAM होती है। अच्छा, ऑप्टिकल मीडिया दैट यूजेस सिंगल स्पाइरल ट्रैक एंड यूजेस डुअल लेयरिंग टेक्नोलॉजी, डीवीडी हो गई ना, सिंपल डीवीडी लिखोगे हार्ड कॉपी भी नहीं आएगा सर। ऑप्टिकल स्टोरेज दैट यूजेस सिंगल स्पाइरल ट्रैक, डीवीडी है ना बस, डीवीडी आ जाएगा। और डिवाइसेस दैट स्टोर डाटा बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं एसएसडी, कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर कौन सा होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, एसएसडी है ना, कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, इसके बाद कौन सा है, अच्छा ऑप्टिकल स्टोरेज दैट यूजेस कंसेंट्रिक ट्रैक, अभी बताया था कंसेंट्रिक ट्रैक, डीवीडी रैम, डीवीडी रैम, इसका सारा हो जाएगा। विंटर चौथा, छठा, इसमें आ जाओ 2016 का 1-2 क्वेश्चन नंबर 4। अब ये इसमें ना क्योंकि इसमें इन्होंने चैप्टर 4 की भी दो चीजें डाली हुई, इसको ऐसी समझ लो, इसमें तुम्हारे पास उसने चार कंप्यूटर टर्म दी है और एक डिस्क्रिप्शन दी है। मैं तुम्हें टर्म बता देता हूँ,
जब मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा तो बताना किससे मीट कर रहा है। चार चीजें ALU, कंट्रोल यूनिट, रैम और रोम। ALU 16, W16, 12। क्वेश्चन नंबर 6। अब जैसे इसमें तुम्हें ALU, कंट्रोल यूनिट, रैम एंड रोम बताना है कौन सा है। एक लिखा हुआ है डेटा कैन बी रीड बट नॉट ऑल्टर, रोम है ना। ऑल्टर्ड में तो रैम होता है, चेंज होता है। रैम का डेटा चेंज होता है, रैम का डेटा चेंज होता है, रोम का नहीं होता। रोम है ना, जो कंप्यूटर खुलता है तो उसमें HP, Dell जो कुछ लिखा आता है वो हमेशा लिखा आता है। रोम का डेटा कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसमें लिखा हुआ डेटा कैन बी रीड, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, तो डेटा कैन ओनली बी रीड नॉट ऑल्टर्ड, तो वो रोम हो जाएगा। सही है। अगला है कैरीज आउट ऑपरेशन सच एज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जहाँ पे कैलकुलेशन होती है। ALU चैप्टर 4 में है, वन न्यूमैन आर्किटेक्चर में प्रोसेसर में तीन चीजें होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो सबके सब कौन करता है? ALU. Store, boot, strap, loader and BIOS. BIOS कौन करता है? BIOS ROM करता है। ROM है ना, ROM. ROM BIOS. Basic input output system. तुम्हारा मोबाइल फोन है, बंद करके खोलोगे आईफोन है तो आईफोन का लोगो देगा, सैमसंग है सैमसंग का देगा। तो हर बार जब भी खोलोगे कुछ चीजें आती हैं, वो BIOS होती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अच्छा, fetches each instruction in turn, control unit. हर instruction को बार बार जो लेता है वो control unit लेता है. carries out operations such as and or not. arithmetic logic unit plus minus multiply divide भी करता है और and or not के operations भी वही देखता है. store part of the operating system currently in use, वो है RAM. RAM जो होता है वो currently in use करता है. store data currently in use, वो भी RAM करता है. manage execution of each instruction, वो control unit. हर instruction जो होती है उसकी execution जो करता है वो control unit करता है. एट है, एट में आपने ट्रू फॉल्स बताना है. इसमें ये कह रहा है कि MIDI फाइल स्टोर द एक्चुअल म्यूजिक नोट्स इन कंप्रेस फॉर्मेट। फिर क्या करता है ये? ये सर जो सारे कंपाइल इसको एक्चुअल म्यूजिक नोट्स तो होते हैं ना, कंप्रेस फॉर्मेट कह रहा है वो. इस चीज को जरा देखना होगा, कंप्रेस फॉर्मेट. MIDI म्यूजिक स्टोर को तो नोट करता है, इसको तो करता है. इसको एक बार चेक कर लेते हैं. अच्छा, ने बोला था मैं आपकी क्लास के लिए सब बंद करवा दूंगा. मैं इसमें कह रहा है MIDI फाइल स्टोर द एक्चुअल म्यूजिक नोट्स इन अ कंप्रेस फॉर्मेट. हाँ, तुम बताओ क्या कह रहे थे. असल में कंप्रेस नहीं करता ये, जो चीज को फॉल्स कर रही है ना वो ये कि वो रॉ फाइल करता है. MIDI रॉ होती है ना, फिर MP3 में कन्वर्ट होती है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. वो सिंथेसाइजर होता है, सिंथेसाइजर के लिए पूछता है. JPG फाइल आर एग्जांपल ऑफ लूजलेस. JPG अभी तो तुमने लूजी में लिखा था, फॉल्स हो रहा. MP3 फाइल्स ऑन एवरेज 90% स्मॉलर देन म्यूजिक फाइल स्टोर्ड ऑन CD. अभी तो किया है. MP3 फाइल 90% आपका फाइल साइज क्या करती है? तो फिर ये कैसा सवाल है? ये वो कह रहा है MP3 फाइल ऑन एवरेज
90% स्मॉलर देन म्यूजिक फाइल। सीडी में जो फाइल होती है उससे एमपी3 फाइल 90% तक क्या होती है, कम होती है। सही है ये। MP4 आर द एग्जांपल ऑफ लूजी, ठीक है ना, लॉजी होती है। नहीं वो 8 का है, उसको छोड़ दो। मैंने पकड़ा इसलिए कि चैप्टर है 5-6, बड़ा चैप्टर है 5-6, यानी तुम कर लोगे तुम्हारा अच्छा खासा निकल जाएगा, फिर तुम 8 कर लोगे तुम्हारा और अच्छा खासा निकल जाएगा। 5-6 और 8 का मतलब 50% पेपर है तुम्हारा। 5-6 के बाद 8 कर लिया आपने, 50% पेपर निपट गया, बाकी तो तुम लोगों को वैसे ही मैंने इतना सारा कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2016-13, देखो W16-13 क्वेश्चन 4, इसमें इनपुट आउटपुट में हो सकता है, तो मैंने इसलिए बोला था वाला लेके आओ। निकल मैं क्या बोला था, मैंने कहा वो भी लेके आता हूँ, खराब नहीं है वो, तो जिस हिसाब से कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। W16 वेरिएंट है, वेरिएंट 13 है, तो इनपुट आउटपुट है नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग द कीबोर्ड टू इनपुट द कस्टमर, डिसएडवांटेज है। एक तो एरर आ जाएगा, यानी जब टाइप करोगे हां, एक टाइपिंग एरर आ जाता है। क्या सवाल पड़ेगा, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, कीबोर्ड का इस्तेमाल करना गंदा भी हो सकता है, जाहिर है अगर खराब हो गया तो सर डिसएडवांटेज होगी, और वो जो पूरा जो पासवर्ड आपका ले लेते सर, कीबोर्ड के अंदर जो है वो भी होता है, जो पूरा जो जो हम लिखते हैं वो उनके पास पता चल जाता है। कौन सा कीबोर्ड होता है वो, कौन सा कीबोर्ड वो होता है जिसके ऊपर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, वो अलग चीज होती है। लेकिन वो जो स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड होता है उससे वो नहीं होता, दूसरे चक्कर है। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा सर, उसको कुछ कह रहे हैं बाद में बात ही आ रही है, मतलब ना वो ऐसा होता है कि जो 8 के अंदर है वो, तो तुम उससे मैच कर रहे हो ना कि सिक्योरिटी के तरीके। नहीं, इसमें तो सिक्योरिटी का वही कह रहा है कि भाई सिंपल एक स्टाफ है जो कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, जो फूड है ना, तो उसके इनपुट करने के लिए, तो उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, क्योंकि टाइपिंग एरर आ सकता है, अब पता ही चलेगा क्या चीज टाइप कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें लिख सकते हैं कि इजी टू मेक अ मिस्टेक, उसमें गलती आराम से हो जाती है, लिखा हुआ है ना, दिया तो है तुम्हें, नहीं easy to make a mistake. एक बात आ गई, और dirt और food can get into keys, जा रहे वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है तो जो dirt है, dirt/food या तो मालिक किसी ने क्यों डाला, हाँ dirt and food, मैं अपना भी बता देता हूँ, उससे मैं मैच भी कर लेता हूँ, dirt और food। इसका जैसे मैंने ये वाला तुम अपने पास से बता दिया कि इजी टू मेक अ मिस्टेक, गलती हो सकती है, ठीक है ना, तो ये आ सकता है। डर्ट एंड फूड वाले से तो समझ नहीं आ रहा, होता है कि अगर आप रेस्टोरेंट में डायरेक्ट काम कर रहे हो, ठीक है ना, अब आप कोई ऑर्डर दे के कोई आ रहा है, इस पर फुट करने डर्ट तो होती है ना, बैठे हो वहाँ पे, तो कीबोर्ड जब आप रफ यूज करोगे तो फिर अगर इस्तेमाल आप करोगे तो फिर वो गंदा तो होगा। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ तो फिर हम क्या कहें, हाँ इसमें एक वैलिड पॉइंट ये हो सकता है कि हाँ उसमें एक वैलिड पॉइंट और हो सकता है, वो ये हो सकता है कि द पर्सन हु इज यूजिंग कैन बी स्लो इन टाइपिंग, ये एक इशू हो सकता है कि अब आप आपके पास 50 ऑर्डर लगे हुए लेट सपोज पीछे, आपका बंदा बैठ के एक एक करके की दबा रहा है, तो फिर मसला होता है। लेकिन कहते ना तुम्हारे साथ एक टीचर थी, वो एक ही करके की दबाती थी, अब हमें कोई काम होता था प्रिंट प्रिंट निकालना होता सिस्टम में, अब सारे 4 लोग खड़े होकर उनको देख रहे होते थे कि जब वो अपना काम मुकम्मल करेंगे तो फिर हम अपना प्रिंट निकालेंगे, वो थोड़ी बता सकते हैं।
नहीं नहीं उर्दू के टीचर सेव होते हैं, वैसा नहीं, हर आदमी देखो टेक सेवी तो नहीं होता ना, उस पर ये लिख सकते हो कैन कैन बी स्लो इफ नॉट ट्रेंड। ऐसी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात बता रहा हूँ, मैं कोई किसी का बोल रहा हूँ, लेकिन ये कि वाकई में रियलिटी बता रहा हूँ, जैसे हम होते थे, अब हमें कुछ टाइप शाइप करना है, अब वो अगर बीकेन आईबीएम आईडी भी खोल रही है किसी चीज़ की, अपनी ईमेल आईडी खोलनी है कि उनको वहाँ से कोई पेपर उठा के प्रिंट करना है, तो वो यूं यूं दबा के यूं यूं खोलती थी, उसमें एक ही उंगली से करती थी, तो अब बाद में बैठा देख रहा है यार आप कहेंगे तो मैं करूँगा ना आगे प्रिंट। हाँ नहीं ये भी मजे की बात थी, वो कहती थी जब मैं बैठी हूँ, जब मैं पूरा करके उठूंगी तो फिर आप है? नहीं तो फिर हम अपना लैपटॉप लेके जा देते, हम उसको नेटवर्क से कनेक्ट करके काम कर लेते। क्या हुआ? ये बात सही है, इसमें जो है ना हर आदमी अपना बादशाह, हर आदमी अपना बादशाह, इसको ज्यादा पता होगा। तो अच्छा वो कह रहा है कि इसको हटा के उसने कॉन्सेप्ट कीबोर्ड लगा दिया, जिसकी हम बात करते हैं। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का फायदा, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड टिक्का बना हुआ है, आइसक्रीम बनी हुई है, बर्गर बना हुआ है, आता है ऐसा, ठीक है वही, ठीक है ना। तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उससे तो ये हो सकता है कि अब टाइम बचेगा आपका, ठीक है ना। फिर नहीं वो आप जैसे उसमें कॉन्सेप्ट कीबोर्ड जो होगा ना, पहले वो आपको रॉ मिल जाएगा, रॉ मतलब अब आप उसको कुछ प्रोग्राम करो, अब आप कहते हो यार आपके पास मेन्यू में 40 डिशेस है, तो आप 40 डिशेस के स्टिकर बना के उन 40 पे लगा और उसमें आप ये फीड कर दो कि ये जब बटन दबेगा, वो पहले आपको प्रोग्राम करना होता है, आपने वो बटन दबाया, आपने उसको प्रोग्राम पे सेट कर दिया टिक्का, टिक्की का प्राइस 300 और उस पर आपने टिक्की का स्टिकर लगा, अब आप जब दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके बिल में 300 एड हो जाए, कोल्ड ड्रिंक के अंदर 7 अप मिरिंडा ये वो सारी चीजें आ रही है। तो ये कह रहा है कि हाँ ये एक फायदेमंद चीज है कि अब आपको टाइप करके कुछ नहीं करना, अब आप सिंपल कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का बटन दबाओगे हो जाएगा। तो कह रहा है एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ मेकिंग दिस चेंज, एक तो फास्टर इन टाइप, लेस चांसेस ऑफ एरर, ये लिख दो, फ्यूअर टाइपिंग एरर लिख सकते हो आप, लिख लो उसको। फ्यूअर टाइपिंग एरर आ गए, ठीक है, और स्पीड अप द टाइम टू एंटर द ऑर्डर, हाँ स्पीड अप द टाइम टू एंटर एन ऑर्डर, तेजी से हो जाएगा एंटर आपका ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हो बिकॉज फ्यूअर बटन आर प्रेस, एक ही बटन दबाना होगा आपको, बिकॉज फ्यूअर बटन आर प्रेस्ड, सिक्योरिटी की बात कभी नहीं करते, लॉजिक गेट्स नहीं करते, हाई लेवल नहीं करते। 7 पे आ जाओ, एलईडी टेक्नोलॉजी के 4 बेनिफिट्स, एलईडी के बहुत सारे, एलईडी में आपको बैकलिट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, एलईडी की ब्राइटर लाइट होती है, एलईडी रन कूलर ठंडी चलती है, लेस पावर कंजम्पशन है, एलईडी वो ओएलईडी है अगर आप करोगे, इसमें आप लिख सकते हो रिचेस, बन तो चीजें सकती हैं, ऐसा नहीं देखा था वो अपना 220 ना उसको बनी है स्क्रीन काट रहा था और वो भी काम कर रही थी, आपने देखी थी, मतलब वो स्क्रीन काट रहा था और वो काम कर रही थी, कर लेते हैं, देखो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा हार्ड, इसमें ऐसा होता है इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो ये होती है कि क्या जो टेक्नोलॉजी है आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अगर इंटरकनेक्टेड होंगी तो फिर खराब हो सकती है कि अगर ये सब खराब हो गया तो आगे नहीं जा रहा, लेकिन अगर सब अलग अलग चल रही है यानी हर एलईडी अलग इनपुट पे चल रही है तो फिर वो काम करेगी। जैसे नोकिया का मोबाइल फोन दिखा रहे थे वो कौन सा था, 3310 आता था, 3310 को जब वो ड्रिल किया, ड्रिल विल करके भी पूरा किया तो वो चल रहा था, उसकी मजबूती चलाया, ठीक है ना। तो रीचेस द ब्राइटनेस वो जाएगा, कलर्स आर विविड, जिसके कलर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, विविड का मतलब तेज, ब्राइटर कलर्स होते हैं, ठीक है। आरजीबी के साथ और भी चीजें ऐड हो गई इसमें, ये जो एलईडी नहीं, एलईडी कोई भी दुनिया में मैकेनिज्म है ना कलर का, वो दो कलर स्कीम यूज करता है, एक आरजीबी करता है और एक सीएमवाईके करता है, मैक्सिमम आरजीबी का इस्तेमाल होता है और कुछ जगहों पे सीएमवाईके इस्तेमाल करते हैं, सियान मजेंटा येलो ब्लैक उससे मिलके ही बनता है। तो स्क्रीन कैन बी थिनर
एंड लाइटर भी लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो, लेस पावर कंजम्पशन, हायर रेजोल्यूशन, वो उस वक्त इस्तेमाल होता है कि एज अ लार्जर व्यू एंगल ऑफ 170 डिग्री, वो तुम्हारा उसका होता है, क्या कहते हैं अपना, ओएलईडी का होता है, ठीक है, विच इज मैक्सिमम ब्राइटनेस और क्विकली कलर्स आर विविड, स्क्रीन कैन बी थिनर और लेस पावर कंजम्पशन, वही कंपाइलर इंटरप्रेटर दसवां इस पे आ जाओ। सवाल नंबर 2017 मई जून का क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 6 में आओ, उसमें आओ, स्टोरेज में देखो, हाँ क्वेश्चन है, अरे फिंगर ब्लैंक सही है, 17 एम, तुम इसमें आओगे, स्टोरेज इनपुट आउटपुट में नहीं है, स्टोरेज में आओ, स्टोरेज में फिंगर ब्लैंक, अ कंप्यूटर हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो जाहिर है रैम एंड रोम की बात कर रहा है, ठीक है, अली इसमें देखना 17 का वो तो आ जाएगा, मई जून 17 का 1-1 है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं अली, सवाल कौन से, ऐसे ही है, हाँ यही बात सही है, अ कंप्यूटर हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, दो तो रैम एंड रोम होती हैं, अब कह रहे हैं डैश मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू नहीं होती, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली, 5 साल मतलब 5 साल ईयर वाइज ना, वो तो आराम से हो जाएंगे, अभी हम 15, 16, 17 पे तो अभी पहुंच गए, 17 पे तो हम हैं ना अभी, हाँ मतलब 2 दिन रख लो आप, चलो मतलब इसमें ऐसा नहीं होता, आप 2 घंटा पढ़ो उसके बाद ब्रेक ले लो, फिर आप करो फिर ब्रेक ले लो, ये आसान सबसे आसान पेपर है, कम उठाने के लिए मार्क्स ए स्टार उठाने के लिए सबसे आसान पेपर है, बाकी तुम लोग खुद देखो तुम लोगों ने इस्लामियत में कितना रट्टा लगाया, कितना लिखा है उर्दू में, कितना लिखा है, यहाँ तो लिखना ही नहीं होता तुम लोगों को, फिर केमिस्ट्री में तुम्हारी कितनी केमिस्ट्री टफ होती है, फिजिक्स कितनी टफ होती है, ये टफ है, इसको बच्चा ध्यान नहीं देता इसलिए कर नहीं पाता, हालांकि फ्यूचर यही है, अब ये भी देखो, तो ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट, केमिस्ट्री मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं समझा, मेरे रिजल्ट मार्क्स अच्छे आते थे मैं रट्टे मारता था, केमिस्ट्री मुझे आज तक मतलब केमिस्ट्री मैंने आज तक कभी मुझे नफरत थी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, और केमिस्ट्री के अंदर फिर वो एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तुम्हें लेवल में मिले कुछ दो होते हैं उसके कुछ करके, तो वो एक अजाब हो जाए, भाई आप ए लेवल में या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हो या फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर लेते हो, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आप लेते हो कॉमर्स अकाउंट बीएससी को, ये होता है चौथा ऑप्शन होता है, अकाउंट बीएस और इको नहीं लिया तुमने, इको लो यार इको अच्छा होता है काम की चीज है, बिजनेस तुमने करना है तो इको से ज्यादा तुम कुछ कर ही नहीं सकते, इको कितनी डिमांड, इको लो, ये हो जाता है, अब बिल्कुल थका हुआ बच्चा जो है नहीं नहीं वो उर्दू पकड़ ले ठीक है, उर्दू है ना लेवल, उर्दू है ओपन बुक होता है, उर्दू ओपन बुक होता है लेवल,
कुछ है उर्दू में ऐसा, ओपन बुक होता है, तो उर्दू ले लो आप, एक तो ये आपका निकल जाएगा, और आप फिर सोशोलॉजी साइकोलॉजी इंग्लिश जीपी ले लो। अब ये नहीं पता मुझे वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री है, अवेलेबल है, अवेलेबल है वर्ल्ड हिस्ट्री, आसानी तो एक अलग चीज है ना। मतलब आप ये देखो, देखो आपको बनना क्या है। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के हर बंदे का ना दिमाग बिजनेस वाला होना चाहिए, नौकरी नहीं करो। मैं खुद अभी आखिरी आखिरी स्टेज पे हूँ पढ़ाने वढ़ाने को कम करके बिजनेस पे। हमारा तो अपने टेक्निकल काम है ना, तो हम तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, सेंटर खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन बिजनेस पे बिजनेस है। तो आपकी आपकी सोच ही बिजनेस होनी चाहिए। बिजनेस के लिए अकाउंट देखो, अकाउंट इकोनॉमिक्स और बीएस। अभी खुला होगा, हाँ खुला होगा, बिजनेस पे बिजनेस। आप सेंटर स्टार्ट लिया था उन्होंने, मुझे नहीं पता कि वेदर वो कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बिजनेस फिर बिजनेस है। अभी हैदरी पे देखो उसको, तुम्हारा कौन बैठा हुआ है, कौन सा पिशाबी आइसक्रीम वाला बैठा हुआ है। पिशाबी आइसक्रीम वाले की तो क्या इनकम होगी बताओ, कितनी होगी? चलो लाख रुपए बता रहे, लाख रुपए पर डे की नहीं बता रहे बेटा, पर लाख रुपए की इनकम पर घंटा हो सकता है, एक घंटा। मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पे, ठीक है? आप कोई भी आदमी जाता है ना, सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सर, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ सर, क्लास ले ली। मैं फ्री तकरीबन 6 बजे आसपास। नहीं नहीं, मैं घर में ही हूँ, बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं। आज लंबा सेशन 4 घंटे का, मैं 5 रुपए का रखता हूँ, तो मसला नहीं। आप बोले हाँ हाँ, रिकॉर्ड होती है ना, जूम पे रिकॉर्ड करेंगे। इसमें